देखिए गोथिक क्वार्टर से चलते चलते पहुंच गए वन ऑफ द आइकॉनिक गजब गजब अल्टीमेट चीज जिसे देखिए एकदम मजा आ गया। तो लीजिए दोस्तों मेट्रो स्टेशन से निकल के बिल्कुल मेट्रो का वो एग्जिट पकड़ा है जिसके बाद वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक लोकेशन ऑफ बार्सिलोना है, या फिर कहेंगे जो मोस्ट फेमस प्लेस है। अगर आप कोई पूछे कि हाँ भाई बार्सिलोना में एक ऐसी जगह मेरे को बताओ कि मेरे को जाना ही जाना है, तो वो है सग्रादा फैमिलिया जो कि एक कैथीड्रल है। और अब भी आपको दिखाता हूँ उसका जबरदस्त व्यू। जबरदस्त वाओ, और बहुत ही डिफरेंट आर्किटेक्चर के साथ इसका व्यू है। यानी जो नॉर्मल चर्चेस रहते हैं उस पर आपको नॉर्मल वॉल्स दिखेंगी, यहाँ पे क्या है कि आई थिंक जो मेन आर्किटेक्ट है गॉडी उन्होंने स्टार्ट किया। और ये चर्च मतलब ऐसा है कि इस पर कंस्ट्रक्शन कभी भी बंद नहीं होती, यानी काफ़ी सालों से कंस्ट्रक्शन भी चलता रहा। अब भी आई थिंक ये बोल रहा है आई थिंक 2026 के आसपास ये कंप्लीट होगा, बट लेकिन खतरनाक एकदम ज़बरदस्त आर्किटेक्चर है इसका। इसके लिए टिकट लगती है, टिकट इज़ आई थिंक 26 यूरोस। तो टिकट हमने बुक की है, टाइम स्लॉट है, आप टाइम स्लॉट देख के बुक करें। और उस टाइम स्लॉट पे पहुँचे लेकिन क्या दोपहर हो गया तो सोचा भूख लग रही है, थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं क्योंकि इसके अंदर आराम से देखेंगे तो फिर अलग ही मज़ा आएगा। बेसिकली आप रिलैक्स होकर देखें, चिल होकर देखें, आराम से इसके आर्किटेक्चर का मज़ा लें। तो पहले कुछ खा लेते हैं और फिर आपको लेके चलते हैं इसके अंदर। चलो जी, बर्गर किंग से मील ले ली, एक नई बात है यहाँ पे, पूरा ग्लास दे दिया और ये मशीन फाउंटेन कितना ही वहाँ से लग जाएगी, तो 17 लोग वो भी अच्छा है। बाकी एक बर्गर का सिंपल मील है तो वहाँ पे फटाफट और चलते हैं अपने डेस्टिनेशन सग्रादा फैमिली के। ख़त्म कर दिया खाना मैकडी से, बिल्कुल फिनिश कर दिया है और चलते हैं अब यहाँ से अब सग्रादा फैमिली की ओर। भाई साहब क्या मैग्निफिशेंट बिल्डिंग है ये ना, जबरदस्त जबरदस्त। और इसकी हाइट है जो वर्टिकली काफ़ी लंबा है, मतलब काफ़ी अच्छा है ये देखिए। और ये पीछे भी कुछ है और इस पर कंस्ट्रक्शन हमेशा हमेशा भाई साहब चलती रहती है सालों साल सालों साल। तो चलते फटाफट एंट्रेंस की तरफ, बिल्कुल अपने टाइम से 7-8 मिनट कम रह गया है। तो लीजिए जी आ गए अपनी टिकट स्कैन कराने के बाद। और भाई साहब यहाँ पे सिक्योरिटी भी होती है, मैं भूल गया था, वापस रियलाइज़ हुआ कि हाँ जैसे एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी थी ऐसे ही पूरा की पूरा वॉलेट वॉच एक्सेसरीज कॉइन्स जो भी है ट्रे में रख दो फिर वो स्कैन होती है। और आते ही आपको ये मिलता है जबरदस्त व्यू। भाई साहब जबरदस्त है। आप नंबर 1 से स्टार्ट कीजिए, नंबर 1 है कैटेगरी है इसकी ऑडियो गाइड जनरल। बेसिकली यहाँ से आप इसके बारे में सुन सकते हैं और ऐसे रास्ता जाता है 1 2 3 4 5 6 7। ये है इसके सामने का व्यू, आप ये देखिए प्लांट और इसके बेसिस पे बनाया हुआ है, यानी वो आर्किटेक्चर इसमें कंबाइंड किया गया है जबरदस्त। और इसके जस्ट सामने खड़ा हूँ मैं, जस्ट सामने खड़े होकर दिखाता हूँ मैं आपको ये। एंड यहाँ से इसका आप ये देखिए, ये इसका एंट्रेंस है, आप जा सकते हो। और छोटे 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 काफ़ी सारे डिटेल हैं, पूरा ह्यूमन वो बनाया हुआ है और छोटे बच्चे भी बनाए हुए हैं। ओ भाई, तो चलिए अंदर चलते हैं और अंदर से दिखाते हैं आपको कि ये कैसा है। ओहो गजब, ओ भाई माय गॉड, भाई साहब क्या व्यू है, क्या व्यू है। और ये देखिए मतलब ये पिलर्स हैं इतने बड़े बड़े, आगे उसको 2 या 3 में ट्री के जैसे डिवाइड किया हुआ है। और ये जबरदस्त विंडो है, और भाई साहब आप देखोगे ना एक अलग ही व्यू आता है, जैसे ही मतलब बाहर से एक अलग आर्किटेक्चर है, जैसे ही आप मेन हॉल से अंदर आओगे, यानी ये जो एंट्री है यहाँ से अंदर आओगे ना, उसके बाद आप देखिए मेरे पीछे भाई भाई साहब बड़ी बड़ी विंडो है जो इस तरफ ये विंडो दिखाई दी है, ये है यहाँ से एक अलग ही कलर निकल गया था, यानी बाहर की नेचुरल लाइट से जब इनके ऊपर पड़ती है ग्लास के ऊपर डिज़ाइन बनाए हुए वो है। और इसके पिलर इतने जाइंट हैं, और ये देखिए कैमरे लगाए हुए इन्होंने हर जगह। और भाई साहब वन ऑफ द फाइनेस्ट है, मतलब बहुत बहुत अच्छा है। और इतना जाइंट आर्किटेक्चर, यानी इतना बड़ा आर्किटेक्चर और ब्यूटीफुल, आई थिंक मैंने तो नहीं देखा भाई साहब, भाई साहब अब तक यूरोप में गजब एकदम जबरदस्त, मतलब मज़ा ही आ जाए ऐसा देख के ना आपका। 26 यूरो की टिकट है, बट आई थिंक वो पहले ही हॉल में आके ही वर्थ है। बेसिकली जब आप आओगे तो आके आपको दिखेगा सामने, तो
इट इज टोटली वर्थ इट। तो मैं तो जरूर कहूंगा कि अगर आप आए हो बार्सिलोना तो बाहर से देखने की बजाय आप टिकट लो और एडवांस में बुक करो टाइम स्लॉट में, ताकि ज्यादा भीड़ भी ना हो और आपको टिकट भी मिल सके और फिर आप देख सकते हो उसको आराम से। तो स्टेयर केस है ना, उसको भी कैसा बनाया गया है, यानी जो स्पायरल्स है ऐसा करके बनाया है, उसके ऊपर भी मस्त डिजाइन है, हाथ से दिखाता हूँ। जबरदस्त जबरदस्त। इसके मेन पिलर्स हैं ऐसे, इसके ऊपर से भी ऐसे ब्रांचेस सी जा रही हैं, तो बेसिकली एक ये फॉरेस्ट का ही इसको एक वो दिया हुआ है, थीम दी हुई है। और ये जीसस क्राइस्ट की स्टैचू है वो लगाया हुआ है। लाइट आ रही है फ्रेम से, यानी तो ये एक नेचुरल लाइट आ रही है बेसिकली, तो बनाया इस तरीके से। और भाई साहब ये पूरे पिलर पे ही आगे जाके ब्रांचेस है, और उसके बाद सीलिंग भी इन्हीं पे टिकी हुई है, किसी और पे नहीं है। भाई साहब मतलब क्या कहें, वर्ड में जैसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते लिटरली। ऐसा चर्च तो मतलब बहुत बहुत कम देखने को मिलेगा, आई थिंक वन ऑफ द फाइनेस्ट और मैग्निफिशेंट चर्चेस में से एक है। इधर भी देखिए अब क्या मस्त व्यू आता है इधर से ऊपर से, ये देखिए भाई साहब, क्योंकि अभी इस तरफ लाइट पड़ रही है ना, तो गजब एकदम, मतलब बहुत ही अलग फील है एकदम। अच्छा कलर देखिए एकदम क्या है, ब्लू है, वाइट है, ग्रीन के काफ़ी शेड है, और मिक्स करके कलर बन रहे हैं, जबरदस्त। और इधर से जो शेड है ये पूरी सन शायद ज़्यादा हो गया, ऑरेंजिश टाइप से आ रही है, ब्यूटीफुल। ये देखिए जबरदस्त। तो दोस्तों काफ़ी मजा आया यहाँ सग्रादा फैमिली में आके, तो वन ऑफ द बेस्ट लोकेशंस ऑफ बार्सिलोना है। अगर आप आते हो तो यहाँ पे ज़रूर आए, और बाहर से ही ना देखें, मैं तो रिकमेंड करूँगा ज़रूर आप अंदर भी आए। और भाई साहब क्या जबरदस्त आर्किटेक्चर है ना, आप मतलब शायद कैमरे में उतना अच्छा कैप्चर नहीं हो पाता है, लेकिन जब आप आंखों से देखते हैं, आप फिजिकली यहाँ प्रेजेंट होते हैं, तब आपको पता चलता है भाई साहब के जो ग्लासेस हैं, ग्लासेस के पीछे से जो लाइट आती है, उस रिफ्लेक्शन से जो इमेजेस बनती है वो है, डिफरेंट कलर्स हैं, कई जगह ब्लू हैं, और बहुत बहुत आर्किटेक्चर इसका अच्छा है, गाउडी ने जो आर्किटेक्चर बनाया है। ऑडियो डॉक्यूमेंट्रीज की काफ़ी अच्छा बताया हुआ है, तो मन तो नहीं कर रहा जाने का, लेकिन यहाँ से अब जाना पड़ेगा। तो यहाँ से चलते हैं, शायद थक गए हैं, हॉस्टल की तरफ जाएंगे या कहीं और जाएंगे, वो देखते हैं बाहर स्टेप लेके उससे पता चलता है, लेकिन यहाँ से चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। देखिए यहाँ से अब एग्जिट की तरफ जा रहे हैं, जिसको आई थिंक पैशन गेट वगैरह भी बोलते हैं। और ये जो गेट है ये नए बनाए गए हैं, आई थिंक आने वाले टाइम में इधर से एंट्री होगी, अभी तो एग्जिट है, बट आई थिंक ये वाले इससे जीसस वगैरह लिखा हुआ है, ये देखिए काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, तो ये वाले गेट से एंट्री होगी, तो ये वाला एंट्रेंस मेन बन जाएगा। तो यहाँ से भी देखते हैं, आज की डेट में ये इसका बैक साइड है, बट लेकिन आने वाले टाइम में ये इसका फ्रंट साइड हो जाएगा। ओ ओ ओ इधर से भी सही है। और ये है इसका भी आज की डेट में बैक। बस यहाँ से ट्रिप हो गया है ख़त्म सग्रादा फैमिलिया का, और चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। तो लीजिए दोस्तों आगे एक और ब्यूटीफुल लोकेशन ऑफ बार्सिलोना जो कि है मेरे पीछे, आर्क दी ट्रायम्फ। आर्क दी ट्रायम्फ जो कि एक गेट है बनाया गया था जो वर्ल्ड फेयर हुआ था, उसका ये एंट्री गेट बनाया हुआ था, और उसके बाद ये गेट टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया है। देखिए जैसे कि आपको ये देख के थोड़ा सा पुराना लग रहा होगा, तो भाई साहब ये बना है 1888 में, यानी ऑलमोस्ट 140 साल के आसपास हो गए हैं इसको बने हुए। आज से आगे देखते हैं भाई साहब ये रेड कलर की जो बिल्डिंग है कैसी दिखाई दे रही है, थोड़ी पुरानी पुरानी ईंटों जैसी बिल्डिंग लग रही है, काफी ईंट पुरानी जैसी हो गई है भाई साहब, ये तो अलग ही है, इट्स नॉट मेड ऑफ बिग स्टोन्स, ईंट से बनाया हुआ है। और नई बात मैं देख रहा हूँ, आर्क दी ट्रायम्फ जो हमने पहले देखे हैं वो बड़े बड़े स्टोन्स से बनाए गए हैं, यानी बड़े ग्रेनाइट या दूसरे टाइप के स्टोन्स होते हैं, लेकिन ये तो भाई साहब ईंट से बनाई हुई है, रेड ब्रिक से बनाई हुई है, और अभी भी खड़ी है 136-138 ईयर्स के बाद भी ये बिल्डिंग जबरदस्त। और ये पैसेज देखिए यहाँ से गेट से आप अंदर जाओगे, तो दोस्तों थक गए हैं ऑलमोस्ट, दोपहर से ज़्यादा टाइम हो गया है, खा भी लिया है, सग्रादा फैमिली भी देख लिया, और अब तो हमने यार की ट्रैम भी देख लिया है, तो यहाँ से चलते हैं हम अपने हॉस्टल की ओर भाई साहब, थोड़ा सा वहाँ पे रेस्ट करते हैं, और एक दो घंटा रेस्ट करके फिर निकलती है सवारी शाम को, तो फिर शाम को देखते हैं आज क्या करना है। लेकिन खूबसूरत आरती ट्रैम्प, और सरप्राइजिंगली भाई साहब अभी भी रेड ब्रिक का बनाया है, यकीन नहीं हो रहा। तो चलिए यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन।